तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि हमारे आईफोन में 5G देखने को मिल गया है। नथिंग नहीं है, आईफोन ही है, नथिंग का स्क्रीन लगा रखा है। अगर आप लोग भी अपने फ़ोन में स्क्रीन लगाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो खैर दोस्तों, हमें यहाँ पर अपडेट देखने को मिल गया है, हमारे आईफोन में 5G की सपोर्ट देखने को मिल गया। और आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताऊँगा कि 5G को कैसे आप अपने फ़ोन में इनेबल कर सकते हैं, स्पीड क्या देखने को मिल रहा है डिफरेंट लोकेशन पर, और इसे आप लोग कैसे इनेबल कर सकते हैं। पर दोस्तों, आप लोग वीडियो को स्किप मत करिए, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को इसमें कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो आप लोगों को जानना बेहद ज़रूरी है। अगर आप लोग अपने फ़ोन में सिर्फ 5G के अपने फ़ोन को अपडेट करना चाहते हैं दोस्तों, तो मैं भी आप लोगों को बड़ी मुसीबत फेस करना पड़ सकता है। तो इस वजह से दोस्तों, अपडेट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट या सवाल हो तो कमेंट कर दीजिएगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। तो सबसे पहले गाइज, आप लोग अगर 5G में अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट करने से पहले अगर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर अगर आप लोग इंस्टाग्राम के बीटा यूज़र हैं, मैं आपको दिखाऊँ, मैं यहाँ बीटा यूज़र हूँ, इस पर टैप करता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पर मुझे मैसेज आ रहा है इंस्टाग्राम बीटा हैज़ एक्सपायर्ड। तो इंस्टाग्राम का अगर बीटा आप लोगों ने ज्वाइन किया होगा तो ये आपका इंस्टाग्राम ओपन नहीं होगा। इसके अलावा गाइज, अगर आप लोग जीपे यूज़ करते हैं तो देख सकते हैं मैं यहाँ पर जीपे को ओपन करूँ और जीपे हमारे फ़ोन में ओपन नहीं हो रहा है। मैं रिसेंट से जैसे क्लियर भी करता हूँ, उसके बाद भी अगर मैं इसे ओपन करता हूँ जीपे को, तो देख सकते हैं जीपे ओपन नहीं हो रहा। तो अगर 5G के लिए अपने फ़ोन को आप लोग अपडेट करना चाहते हैं, अब दोस्तों अगर आप लोग अपने आईफोन में 5G को इनेबल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को डेवलपर बीटा को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना होगा। तो iOS 16.2 डेवलपर बीटा 2 में आप लोगों को इंडिया में 5G का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। पर दोस्तों, मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग इसे अभी इंस्टॉल करें। अभी दोस्तों ये डेवलपर बीटा 2 देखने को मिला है, कुछ दिन के बाद से आप लोगों को पब्लिक बीटा 2 मिलेगा, उसमें भी आप लोगों को 5G की सपोर्ट मिल जाएगा। पर दोस्तों, बीटा होने की वजह से आप लोगों को इसमें बहुत से बग्स देखने को मिल सकते हैं, जैसा कि मेरे केस में देख सकते हैं गूगल पे जो जी पे है वो मेरा ओपन ही नहीं हो रहा है। इंस्टाग्राम का अगर बीटा यूज़र है आप लोग तो देख सकते हैं कुछ इस तरह के एरर देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों, आप लोगों को अपने आईफोन में सेटिंग में जाना है, और फिर जाना आप लोग को मोबाइल डाटा में। मोबाइल डाटा में जाएंगे दोस्तों आप लोग, तो यहाँ पे आप लोगों को दो सिम देखने को मिलेगा, आप लोग जो भी सिम यूज़ करते हैं। अगर आप लोग जाते हैं जियो पे और जाते हैं यहाँ पर वॉइस डाटा, वॉइस डाटा में, तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर अब 5G 5G ऑटो LTE देखने को मिल जाता है। और जैसे कि 5G जियो का स्टैंडर्ड लोन है तो स्टैंडर्ड लोन की सपोर्ट मिल जाता है यहाँ पर। और अगर आप लोग पास एयरटेल के सिम उस पर जाते हैं आप लोग और जाते हैं वॉइस डाटा में, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों को 5G की सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो जियो और एयरटेल जैसा कि इंडिया में 5G ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है, और जिस जिस लोकेशन में दोस्तों आप लोगों को 5G की सपोर्ट वहाँ देखने को मिल जाता है। पर दोस्तों, सभी जगह आप लोगों को 5G की सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। अगर आप लोग कोलकाता से हैं, अगर सॉल्ट लेक और न्यू टाउन एरिया से बिलोंग करते हैं दोस्तों, या फिर आप लोग वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को 5G की सपोर्ट देखने को मिल जाए, वहाँ पर दोस्तों 5G की नेटवर्क कवरेज देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों, कोलकाता से आप लोग हैं तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि सॉल्ट लेक न्यू टाउन के अलावा और किस एरिया में आप लोगों को 5G की सपोर्ट देखने को मिलता है, तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। इसके अलावा दोस्तों, अगर स्पीड की बात करें वैसे तो आप लोग को एयरटेल की स्पीड देखने को मिलता है 4G में 39.60 MB की, और वहीं अगर मैं आप लोग को 5G की स्पीड दिखा देता हूँ, देख सकते हैं एयरटेल में आप लोगों को 5G की स्पीड तकरीबन 162 MB देखने को मिलता है। तो डिफरेंट लोकेशन पर डिफरेंट स्पीड आपको देखने को मिल सकता है। और दूसरी लोकेशन पर स्विच करेंगे देख सकते हैं, वहाँ पर आप लोगों को तकरीबन 485 MBPS की स्पीड देखने को मिल जाता है। मैंने आप लोगों को बताया डिफरेंट लोकेशन पर डिफरेंट स्पीड आपको देखने को मिल सकता है, और ये एयरटेल की स्पीड है। जियो के लिए दोस्तों, आप लोग कोलकाता से हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइए कि सॉल्ट लेक और न्यू टाउन के अलावा कहाँ 5G की सपोर्ट है, क्योंकि दोस्तों मैं जिस लोकेशन पर रहता हूँ मुझे अभी तक जियो की 5G यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। तो अगर आप लोग इसे अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना चाहते हैं 16.2 को, जो मैं आपको रिकमेंड बिल्कुल नहीं करता हूँ, पर फिर भी अगर आप इसे इंस्टॉल करना चाहते हैं आप लोग डेवलपर बीटा की प्रोफाइल को डाउनलोड करके इसे अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं, पर मैं आप लोग को रिकमेंड नहीं करता हूँ।